साल 2004 के बाद एक बार फिर देश की सियासत में विदेशी मूल का मुद्दा उठा। बीएसपी नेता जयप्रकाश सिंह याद आ गया ना आपको, बयान दे रहे हैं राहुल गांधी को विदेशी मूल से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल पीएम कभी नहीं बन सकते। महागठबंधन बनने से पहले ही इस तरह के बयान के गलत संकेत जा सकते थे, इसलिए मायावती ने तुरंत एक्शन लिया, अपने नेता का इस्तीफा ले दिया। सवाल यह है कि महागठबंधन बनने से पहले पीएम पद के लिए इतनी लड़ाई है तो चुनाव करीब आने पर क्या होगा। उसका 2019 में एक और पीएम मोदी होंगे तो दूसरी ओर राहुल गांधी, मायावती या फिर ममता बनर्जी। अभी इस पर चर्चा हो ही रही थी कि बीएसपी नेता जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। जयप्रकाश ने कहा, राहुल अपनी मां सोनिया गांधी की तरह लगते हैं जो विदेशी मूल की है, इसलिए वो पीएम नहीं बन सकते। उसकी मां विदेश की है, उसका खून विदेशी है, वो मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो सकता। महागठबंधन में दरार न पड़े इसके लिए मायावती ने तुरंत एक्शन लिया और जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सब बीएसपी के सोच व नीतियों के विरुद्ध भी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए नए नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। मायावती इन राज्यों में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है, इसलिए अभी तो उन्होंने पीएम पद पर पार्टी नेताओं की जुबान बंद रखने का आदेश दिया है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के करीब आने पर वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को काबू कर पाएंगी। जबकि जी न्यूज के खास कार्यक्रम डीएनए 2019 में कांग्रेस पहले ही राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में, स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बीजेपी इसी को मुद्दा बनाकर महागठबंधन पर हमला कर रही है। आप केवल और केवल उस नॉन लिविंग कुर्सी से प्यार करते हैं, उस नॉन लिविंग पावर से प्यार करते हैं, सजीव ह्यूमन बीइंग से, सजीव मनुष्य से आप प्यार नहीं करते हैं राहुल जी। एक ओर महागठबंधन में पीएम पद पर लड़ाई है तो दूसरी ओर सवाल ये भी है कि आखिर कब तक राहुल गांधी को विदेशी मूल से जोड़कर देखा जाएगा। राहुल गांधी भारत में पैदा हुए हैं, भारत के नागरिक हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य हैं। आखिर फिर क्यों ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं? योग्यता पर पीएम के उम्मीदवार का चयन करें, ना कि स्थानीय और विदेशी मूल को मुद्दा बनाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।